गुलाब का शरबत। अभी लोगों का पेपर बढ़िया गया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज हमारे गांव से, एंड अभी बजे है, आप देख सकते हो 5:30 बजे, एंड हम लोग जा रहे हैं अभी महादेव टेम्पल सुबह सुबह। तो चलते हैं अपना बैग पैक करके, मतलब पूजा का सामान लेकर। लेट्स गो। ओम नमः शिवाय। ओके, तो फाइनली पहुंच गए थे हम टेम्पल, एंड फाइनली कन्हे का पुष्प ले लिया था, तुरा ले लिया, वाइट पुष्प ले लिया, एंड आगे चलते हैं। वैसे आगे लाइट नहीं है भाई आज तो। बाद हमारी बस है, तो बस स्टॉप भी जाना है हमें। तो खाना रात जल्दी हो गया, दादी ने जल्दी बना दिया मेरे लिए, बिकॉज आज है गाइज एग्ज़ाम, तो हमें कॉलेज जाना है वीरमगांव, करीबन 24-25 किलोमीटर दूर। तो हाँ, बस से जाएंगे हम, तो फटाफट फटाफट गाइज खाना खा लेते, फिर 12 बजे हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, तो हाँ उससे पहले पहुँचना है, तो खा लेते मस्त खाना। लौकी की सब्ज़ी बनाई है एंड रोटी मस्त। चलते गाइज, मस्त खाना हमारा हो गया था, रेडी हो गया था मस्त में, तो चलते फटाफट, लेट्स गो गाइज। वैसे गाइस मिल गई थी फाइनली जगह हमें, तो चल रहे हैं जगह। वैसे गाइस भीड़ काफ़ी कुछ है, एंड मैं तो कंडक्टर की सीट में बैठा भाई, तो थोड़ी देर में वो आएंगे, तो खड़ा होना पड़ेगा, तो जल्दी खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा, तब तक सिनेमैटिक चेक करेगा अभी यार। बॉयज फाइनली एग्जाम हुई हमारी खत्म, एंड सभी लोगों का पेपर बढ़िया गया है। हाँ, मेरा भी थोड़ा थोड़ा बढ़िया गया है। सब लोग पेपर की बात कर रहे हैं, कैसा गया भाई? फाइनली गाइज बस स्टॉप तक पहुंच गए फ्रेंड की बाइक में, एंड अभी यहाँ से बस मिले तो अच्छा है हमारी यार, काफ़ी भीड़ होगी, एंड दोपहर में गाइज एग्ज़ाम वगैरह अटेंड करना बहुत ही मुश्किल रहता है, बट हम फिर भी अटेंड करते हैं, करना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा भाई। फिलहाल बस ढूंढते हैं अपनी फटाफट और निकलते हैं। ये हमारी बस है, और भीड़ तो चेक करो यार गाइस, हमारी वाली बस में तो बहुत ही भीड़ है। दूसरी बस का वेट करते हैं, फिलहाल खड़े रहने की जगह भी नहीं है भाई, तो वेट करते हैं दूसरी बस का, और क्या करेंगे यार, यही सिस्टम, दो माली की कर दे बस तो मज़ा आ जाए भाई। बॉयज फाइनली मिल गई है हमें बस, एंड चल रहे अब हमारे गांव, जगह भी मिल गई है फाइनली। उस बस में तो जगह नहीं थी, इस बस में काफ़ी सारी जगह है, चलते हैं। तो डस्ट काफ़ी दे, इसलिए मैंने रुमाल टांग लिया, एंड गर्मी भी है। चलो बाय बाय वीरमगांव, मिलते हैं कल, नहीं कल नहीं, कल तो राम नवमी है, कल छुट्टी है, परसों मिलते हैं वीरमगांव बस। तो बाय 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 बाय। तो फाइनली पहुंच गए थे गाइस गांव हमारे बस से, एंड अब आगे से बाइक लेकर हमारी चलते हैं, फिर देखो गाड़ी धूप हो रही है। तो फाइनली पहुंच गए गाइस हमारी बाइक के पास, एंड हम धुन चल रही है, चलते हैं, लेट्स गो।
तो फाइनली आ गए थे घर एंड करते आराम, कंटिन्यू कर रहे ब्लॉग हमारा शाम के टाइम पे। एंड सो गया था वैसे, आराम कर रहा था और आँख लग गई, पता नहीं जरा कब शाम हो गई भाई। ये बदले तो दादा ने शरबत शुरबत बना के रखा है तो पीते मस्त। गुलाब का शरबत भाई क्या मस्त है भाई, पहले हम बहुत पिया करते थे। और टीवी चल रहा है वैसे, दादी सीरियल सूरियल देख रहा है। दादा गए पहले से ही लाते हैं गुलाब का, पहले तो दादा रसना का लाते थे शरबत। हाँ रसना का वो पाउडर आता है ना, वो पहले लाते थे। और फिर एक दिन गाइज शरबत बनाते थे एंड इतनी बॉटल भरते थे ना, बहुत सारी बॉटल भर के और फिर फ्रिज में रखते थे। हाँ समर में ऐसा करते थे। वैसे दो फ्लेवर लाया करते थे, एक गुलाब का और एक मैंगो का, दो फ्लेवर लाते थे। बट अब तो तैयार बॉटलें मिलती है तो यही लाते हैं। उस टाइम भी काफ़ी मज़ा आता था भाई रसना पीने में, बहुत ही, वो तो बहुत ही मस्त लगता था रसना, टेस्टी था इससे भी। वैसे ये जब भी पीता हूँ बचपन के दिन याद आ रहता है। दादा बहुत लाते थे पहले हर समर में, रोज बनाते थे फिर हम। क्या हो गया चिड़िया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? भाई बोलते हुए इतनी मीठी लग रही। हाँ भाई बिल्ली रानी, बिल्ली आ गई थी इसलिए। हाँ मियाओ क्यों आई हो भाई, रुको भाई। चिड़िया रानी को परेशान मत करना वरना इतना मारूंगा ना बिल्लू। वैसे ऊपर क्या मस्त मौसम हो रखा है। नीम के फूल तोड़ लेते हैं, सुबह पीने को काम आएंगे। हाँ मैं बना दूंगा मस्त फ्रेश। यार एक मिनट, तो गाइस इतना कुछ तोड़ा है मैंने, नीम का फूल एंड नीम के पत्ते भी, तो इसका मस्त सुबह जूस बना देंगे और हम तीनों मिलकर पियेंगे, मैं दादा और दादी। हाँ मस्त गाइस पीना चाहिए, अभी ये पीने की सीजन है, ये पीना चाहिए लगातार, लगभग गाइस एक वीक तक पीना चाहिए ताकि हमें पूरे साल भर बुखार बुखार ना हो यार। सुबह उठकर कर देंगे मस्त जूस। नीचे आ गया था एंड डैडी ने मस्त खाना रेडी कर दिया, तो आज बना गाइस खिचड़ी है, लौकी की सब्जी दोपहर की, एंड है ये चटनी बनाई है तीखी वाली चटनी है, एंड ये अचार है आम का, तो खा लेते मस्त खाना एंड रोटी। ओके तो खाना खा लिया था फिलहाल मस्त, एंड पता नहीं मेरे बाल यार क्यों ऐसे नहीं सीधे नहीं रहते, मुड़ जाते भाई। ओके गाइस अभी इस वाले ब्लॉग को यही भी करते हैं एंड काफ़ी बकवास के लिए, आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय बाय।